का बोर्ड आएगा वो आ रहा सामने आगरा का बोर्ड। ओ ये देखो सामने जाम और अभी इधर देर तो है गाइस दिस इज ए न्यू व्लॉग और ये व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं जलंधर से और ये खड़ी अपनी गाड़ी और गाड़ी खड़ी है कुछ कुछ थोड़ा माल लोड करके आपको दिख रहा होगा और हम कर रहे हैं यहाँ से आलू लोड और साथ ही एक ये गाड़ी है अपने सब्सक्राइबर भाई हैं ये वो ये आ रहे हैं बात कर रहे हैं मतलब कॉल पे और ये हम जल्द भाई खाना बना रहे हैं और बाकी ये रहा कोल्ड स्टोर वो अपना माल रेडी हो रहा है कुछ इसमें डलेगा और कुछ अपने में डलेगा बाकी भाई अभी भड़के हुए हैं फोन पे तो भाइयों ने हमारे लिए बनाया था खाना अभी साथ में बैठ के खाएंगे तो बातचीत करेंगे अभी आपसे खाने पे बैठ के दिखाऊंगा आपको क्या क्या बनाया हमने ठीक है ना बनाया खाने में ये दाल है और रोटी है वो भी घी के साथ और सब भाई बैठे हैं अभी खाने के लिए तो पढ़ते हैं भाई बिस्मिल्ला और खाते हैं खाना और फिर लगाएंगे गाड़ी लोडिंग में भाई अमजद फिर साथ ही चलेंगे लोग इधर से ही चलोगे ना उस्ताद मौका पर होता है ना हाँ फिर दोनों गाड़ी साथ चलेंगे और बातचीत करते चलेंगे मिलते चलेंगे ये अपनी खड़ी और ये भाइयों की इसमें ओरिजिनल स्टीयरिंग मेरे हिसाब से है उस्ताद सरिंद से ही लिया ये हाँ मैंने भी सरिंद से ही दिया था फाइनली भर हो चुकी है कम्प्लीट और अपने याकूब भाई गाड़ी भर रही है और ये खड़े याकूब भाई अमजद भाई साथ ए गलत नहीं बात करने का तो अभी करते हैं भाई को बाय बाय क्योंकि इनका सफर और हमारा सफर अलग अलग है अगर साथ होता तो फिर तो साथ चलते अभी करते बाय बाय रास्ते में पियेंगे जाके चाय क्योंकि यहाँ से हम तीन दिन से फंसे हुए थे भाई गाइस बड़ी मुश्किल से जान निकाली है ऊपर वाला बचा है भाई पंजाब में आलू लोड करने के लिए कोई ना आए मैं तो सब बोल अभी तो बॉर्डर और बचानी है फाइनली मित्रों निकल के आ चुके हैं अपने कोल्ड स्टोर से और अभी हमने गाड़ी को बेल रखा है मोगा की तरफ मोगा बरसाना बरसाना क्या क्या है जो कुछ भी है उधर से चलेंगे बाकी मैंने लगा रखी है लोकेशन ये लोकेशन के थ्रू चलेगा भाई बाकी अभी गाड़ी में लेना डीजल तो डीजल भी लेंगे और आगे से घुमा उमा हो रही है कहाँ कहाँ के मौका पौगांस पहले के तो जैसे भी लोकेशन चलेगी ऐसे ही चलेंगे हम भी आपको दिखाते रहेंगे भैया क्योंकि यार जब लोकेशन चलते हैं ना तो भूल जाता हूँ मैं कहाँ दिखाना कहाँ नहीं दिखाना तो इस वजह से कई शॉट मिस हो जाते हैं तो बाकी उनको माइंड मत किया करो ओके अभी डीजल ले लेता हूँ मैं इसमें क्यों जब तक डीजल नहीं लूँगा जब तक माथा अब टेंशन दर ये डीजल लेने के बाद एकदम फ्री और फ्रेश फिर सुबह तक नो टेंशन डीजल करा लिया है भैया हमने इसमें आधी टंकी से थोड़ा ज़्यादा मतलब आधी टंकी से थोड़ा ज़्यादा क्या 100 लीटर से ज़्यादा लिया था मैंने और अभी चल रहे हैं इस रोड पे और ये रोड सीधा कहाँ जा रहा है आप बताना कमेंट में मौका से पर मैं ही बता दूं आप पता ही कहाँ रहा तुम भाई कि बरनाला जा रहा सीधा तो यहाँ चलेंगे बरनाला और बरनाला से पद चलेंगे पता नहीं कहाँ कहाँ गवाड़ी नया नया रूट है पर जब जभी आ जाओ ना तो राजस्थान की पता ना रहा पर मजा बहुत आवे क्योंकि सारा फोकस रहे रोड पे और फोकस की वजह से मतलब गजब किसी जिम्मेदारी रहे तो अलग ही फीलिंग रहे और अलग ही मजा वाली बात मतलब वो ये दिल भीतर बात है बयासी ना हो गए कैसे बताऊ पर जो भी मजो अलग ही लेवल को रोड में कुछ भी ना तो बिल्कुल भी मजा ना आ रहा गाड़ी चलाना में थोड़ी बहुत गाड़ी चलनी चाहे एक गाड़ी मिली अपने उधर मेवा साइड की टूल पे और टूल पार कराने के बाद में डीजल वीजल के चक्कर में और उधर चाय वाय पी थी उसके चक्कर वो भी निकल गई तो अभी शौकीन भाई का फोन आ रहा है इससे करता हूँ बात फिर मिलेंगे आपसे आगे कोई बरनाला वरनाला में तो गाइस ये संगरूर है और ये संगरूर मतलब जो रोड था ये सीधा जा रहा था इससे हमारे थे जो साइड ब्रिज दिख रहा है तो इस ब्रिज से पहले ही हमको लोकेशन लगा हुआ था तो हमने ले लिया पहले सर्विस रोड पे
और यहाँ से जाएगी गाड़ी राइट और यहाँ ब्रेकर व्रेकर और कुछ ऐसे ही है भाई। तो अपने देखभाल का और ब्रेक नीचे घुमा लेते हैं और इसको राइट, बाकी और मुलाकात करेंगे आपसे आगे क्योंकि आप आ रहे हो ट्रैफिक बुरी। गुड मॉर्निंग गाइस, और अभी हम है झज्जर और इधर बैठा अपना बोलता हम जज और भाई हम जज जा रहा घर लो, हम जज जा रहा घर लो और भी कड़े जो फुकरो है और जब जाओ कारी जान फुकरो भाई तभी घर जा रहा मेरा जा पा रहा हूँ। तो यार गाड़ी इतनी दूर के जा रही है, घर जाना कोई कोई भी ना होगी अगर फिरोजपुर में भी जाती तो यानी दो घंटा वेट करो, अभी घर जाता हूँ रहता हूँ पर कहाँ अब तो हम होटल वोटल में ना हो मैं भी नहीं साहब वही चले जाएंगे और अमजद भाई चला जाएगा घर। बाकी अभी चल रहे हैं इस रोड पर और ये गाड़ी चल रही है अटवर की, अटवर की कुछ गलत मत कहो अटवर पढ़ के कुछ गड़बड़ी ना हो याद आवे वीर तो ये अपने जो सौ भाई 58 पर बस वहाँ का गाँव की गाड़ी है। तो अभी साथ चल रहे हैं, अभी आगे से चढ़ जाएंगे कैंप पे हाईवे पे बादड़ी वाले कट से और फिर देखेंगे कहाँ उतरेंगे कहाँ रुकेंगे, जैसा सब कुछ रहेगा वो सब कुछ बता दूंगा आपको। तो भैया बादड़ी से हम चढ़ रहे हैं अभी कैंप पे हाईवे पे और ये अभी घूम के चढ़ जाएंगे वापिस और यही तो एक राजी हो बड़ो गया भाई साहब चुटिल परिंदा की ऐसा कर रहा है झूमर बुमर की ने हाँ मोटा फट जाए न कभी कम खुश रहे। तो चलो भाई या स्कैन पिस्कैन और करवा लियो, स्कैन विस्कैन और ना हो भाई। तो भैया ये है नहो सोना का कट, उधर जाएंगे नहो के लिए और ये अमजद भाई जा रहा हूँ मुँह छोड़ के नहीं फिर दोबारा आएंगे अमजद भाई। पर अभी जब कोई साथ को जा मैं मन अजीब से हो जाए चल ठीक हो अमजद चलो कोई ना अपने चलते अपने को उतरना उधर सराय वराय में खाना वाना खाएंगे आगे पल पल कट सु तो वहाँ मिलेंगे ठीक है ना। तो भैया यहाँ पे होता है अपना कैंपी हाईवे का सफर खत्म क्योंकि यहाँ से अब गाड़ी उतर जाएगी अपने भैया कहाँ के लिए पलवल आगरा का बोर्ड आएगा वो आ रहा सामने आगरा का बोर्ड ओ ये देखो सामने भाई साहब अभी दिल की धड़कन तेज होगी गाड़ी देख के ये अपने अपने यार अपने मित्र की गाड़ी है ये जो सामने चल रही है वो चढ़ती हुई पुदकती हुई चल रही है पुदकती हुई पर भाई ऐसा रिस्क और रिस्क बिल्कुल मत लो क्योंकि इसमें और रिस्क में हमेशा आदमी मार खा जाता है। तो यहाँ से छोड़ देंगे हम अपने कैंप पे हाईवे रोड को और उतर जाएंगे सराय खटोला होडल पलवल कोसी आगरा मथुरा की तरफ। अभी रुके हम सराय में यू तो है ही और यू भाई जागिर बात ही अलग और यू है या भाई का ये भाई भी होंगे सराय में और अपने को चेक देना है उधर मतलब धान का भाड़ा मिला था ना जो तो उसका चेक देने के लिए यहाँ रुका हूँ मैं। बाकी और गाड़ी आगे चल रही है अपनी तो अभी चेक दे जाके चलेंगे यहाँ से आगे कोसी बॉर्डर पे वहाँ से डीजल वीजल भी फुर कराएंगे इसमें। तो तब तक करते हैं हम भाई से बातचीत फिर चलेंगे तो मिलेंगे। ले ली निकल चुका हूँ अभी मैं सराय से और यहाँ पे चेक वेक दे के क्या जमा कराने गया था होटल बाइक से और होटल जमा वमा करा के और बैंक में भाई साहब जो सीन हुआ मजा आ गया बैंक के सीन को देख के मतलब पहले कोई वैल्यू नहीं थी जब उसने फोन दे के दोनों फिर बोला उसने कि आप बैठो आपसे करता हूँ पहले उसके बाद चेक जमा करें तो बड़े अच्छे मैनेजर थे बातचीत हुई आपस में काफ़ी सारे लोगों को बताया मेरी ये यूट्यूब चैनल ये इंस्टा ये फेसबुक कितना आदमी कितना ये वो तो जाके मतलब अच्छी तरह बात कर रहे चेक जमा करा कहा के और अभी अपने धनों को उड़ा रहे हैं देखो 70 में तो मंडी रहने वाली है भैया की एक्सप्रेस तो बना रहना हो व्लॉग में एंड तक ठीक है ना। बाकी मीटर मीटर कम दिखाऊंगा यार क्योंकि मीटर दिखाने वाला हो ना हाँ क्योंकि जो अपने ताऊ जी है ना वो भी मेरे व्लॉग में देखे जाओ जैसे टेंशन क्यों ले रहा हूँ
ईव्यू और ईव्यू सब दिखे हो। ये आ गई अपना कोसी बॉर्डर, और कोसी बॉर्डर कहा ये टूल है, पर यहाँ के बाद अब लग जाएगा यूपी, हम चार में से निकल जाएंगे, बोले तो हरियाणा में से, और यूपी में एंटर हो जाएंगे। बाकी अब यहाँ से कुछ सामान लेना है, क्योंकि भैया हर ड्राइवर एक जैसा नहीं होता, सब गुटखा खाते हैं, तो इस वजह से अभी तो कोई नहीं है खैर हमारी गाड़ी में, पर जो ड्राइवर आ रहा है उसके लिए गुटखा वगैरह लेंगे यहाँ से, क्योंकि फिर हमारा वाला ही मेवात वाला गुटखा और कहीं मिलता नहीं है ना, इस वजह से। तो भाई टंकी हो चुकी है बड़ी एकदम फुल, और फुल हो गई तो भैया अभी चल रहे हैं हम मथुरा से पहले, और ड्राइवर पहुंचने वाला है अपना, मतलब अपने गांव का ही है आरिफ भाई, अपने ही गांव का है मतलब, तो वो आ रहे हैं इस बार मेरे साथ, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी 25-25 पाने की तो वो अब हमने उसकी पूरी कर दी भैया, तो आने देते हैं और कॉल करते हैं, बात करते हैं, पूछते हैं कहाँ आए कहाँ नहीं आए, और फिर उसी हिसाब से चलेंगे, क्योंकि वो आ जाएंगे फिर एक रफ्तार चलते रहेंगे कंटिन्यू नॉन स्टॉप। भैया ये है मथुरा का गुरुद्वारा, जाम इतना लंबा लग रहा है पूछो मत, और ये अपना आरिफ भाई आ चुका है अपने पास, तो अभी जाम इतना लंबा लग रहा है कोई सीमा ना, कम से कम 6-7 किलोमीटर को, और ये भी नहीं पता किस चीज़ का जाम है। बाकी अभी हम यहीं पे इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं भैया क्या डिजाइन से बनाया हुआ है, और पीछे तक बहुत लंबी लाइन और आगे भी बहुत लंबी लाइन, चारों तरफ जाम ही जाम मिलेगा आप सबको। भैया 1.5-2 घंटे के बाद कुछ राहत सी मिली जाम में से निकलने के बाद, और नेवत भाई और आ रहे हैं सामने से इसी जाम में और ये कैंटीनर वाला बोल रहा है भाई क्या हाल है भैया, एक नंबर हाल, अगर भी लोग देख रहा है तो बाकी देखते हैं नेवत भाई की गाड़ी फर्स्ट लाइन में मिलेगी या कोई और लाइन में दिखेगी नहीं दिखेगी, तो वो आपको भी दिखाऊंगा। तो भाई जाम देख लियो मथुरा में कितना लंबा लग रहा, बहुत लंबा, नेवत भाई ने भर रखा है डिवाइडर, वो भी एक्सप्रेस ही है शायद, अगर जाम में सही टाइम पे नहीं निकले ना तो इधर ही मंडी हो जाएगी नेवत भाई, तो आगे पता नहीं अभी नेवत भाई कहाँ है कहाँ नहीं, वो बोल रहे हैं मैं लास्ट वाली लाइन में हूँ, तो शायद मुश्किल देखने को मिलेंगे नेवत भाई। हाँ तो आज NMTC एक्सप्रेस से मुलाकात हुई जाती घना ही दिनों के बाद, तो कोई नहीं फिर किसी और व्लॉग में करेंगे NMTC एक्सप्रेस से मुलाकात, बोले तो अपने नेवत भाई, बाकी सभी जानते हैं नेवत भाई है, तो क्योंकि शुरुआत नेवत भाई के साथ ही करी मैंने भी लोग बनाना किया अपने नेवत भाई को सिखाने के लिए, तो कोई ना अब तो ना दिख रहे नेवत भाई। तो या आगर अपान करने के बाद अब चढ़ रहे हैं एक्सप्रेस पे, क्योंकि एक्सप्रेस से आगे अगर नीचे के जाते हैं ना तो ये गांव पड़ता है टूंडला, उसमें लग रहा है बहुत लंबा तगड़ा जाम, क्योंकि आज के सावे बहुत ज्यादा है, मतलब शादी वगैरह बहुत ज्यादा हो रही है पब्लिकन की, आज तो इसकी बहन के दुल्हन के मजे ही मजे भाई, हम तो पहले ही बंटी आ रहा हूँ तो पहले ही दुला फुला, पर भाई देख के नहीं मतलब थोड़ी सी जेलेसी तो हो गए कि भैया नई नई शादी हो रही है, बाकी अब अपने को शादी पादी कोई लेड़ देना या लेड़ देना है, जब तक है यू जब तक है जान जब तक है जहान जय जवान जय किसान। तो अब चढ़ गए एक्सप्रेस पे, अब इसके ऊपर चढ़ जाएंगे लखनऊ एक्सप्रेस पे, यमुना एक्सप्रेस है, अब लखनऊ एक्सप्रेस पे चढ़ जाएंगे आगे से, तो यहाँ से चढ़ जाएंगे हम कहाँ लखनऊ एक्सप्रेस पे, ये अपना रहा लखनऊ एक्सप्रेस, और ये नीचे था अपना यमुना एक्सप्रेस, तो अपने को उतरेंगे अब इस पे से इटावा वाले कट पे, क्योंकि नीचे से जाम लगा हुआ था मैंने बता भी दिया आपको पहले भी अभी बता रहा हूँ, तो इस वजह से इससे चलना पड़ रहा है, वरना नीचे से ही जाते, पर कोई ना नीचे जाते वही गेयरबाजी होती वही डीजल खा जाती, यहाँ से और वहाँ से कोई खास फर्क नहीं किलोमीटर में सफ़र में सेम ही है। तो चलो चलते हैं भैया लखनऊ एक्सप्रेस पे, धुंध पुंद को बहुत ज़्यादा सिस्टम रह गया रोड पर वासु पहले तो हम उतर जाएंगे जहाँ से धुंध पड़ना स्टार्ट होगी उससे पहले तो उतर जाएंगे। लखनऊ एक्सप्रेस का ऊपर वाला टूल है ये भैया, यहाँ पे सब कुछ मिलेगा आपको चाहे नाश्ता वगैरह,
पर और ना मिले कहीं भी, बाकी तो और ज़्यादा लूटपाट मिलेगी। इस पे बहुत बड़ा स्कैम होता है लूटपाट का, और वो होता है ऐसे, मतलब इस पे डिवाइडर वगैरह आते हैं कुछ, तो उन पर होती है लूट। पुलिस वाला खड़ा बहुत। एक्सप्रेस पे चलते चलते फाइनली आ गया है 50-60 किलोमीटर चलने के बाद ही इटावा का कट। बकायदा बोर्ड भी आ रहा है 1 किलोमीटर का इटावा और फिरोजाबाद का। और दूसरी बात गाइस, इस एक्सप्रेस पे चलते चलते मैं बहुत मोटा हो गया हूँ। अब आप सोचोगे कि कैसे मोटा हो गया थोड़ी देर में, तो चलो आपको दिखाई देता हूँ, बाकी कमेंट में बताना। तो अब बताओ कौन कह सकता है अब थोड़ी है, यू ये कैसी चीज है, मतलब पवन सी बता सके हाँ लड़का पतला है, बाकी इससे तो एकदम सेट वेट बात है। और ये मुझे मतलब बहुत पसंद है ये जैकेट, इसको 3rd साल अब पर मन ही नहीं करता इसको बदलने के लिए, बाकी अभी इसका कुछ बिगड़ा भी नहीं है खास, क्योंकि तो सर्दी सर्दी और पहनते हैं, और फिर ब्रांड भी बढ़िया है ओरिजिनल ब्रांड के नहीं आओ इसको जिना भी उड़ागर लोकल होती तो खत्म। पर बाकी ये जैकेट है जो यही की वजह से मोटो हो, मैं कोई रीजन ना हुआ मैं मोटो हो गया। और इटावा में अब उतरने के बाद खाना वाना खाएंगे, क्योंकि आरिफ भाई ने भी नहीं खाया और मैंने भी नहीं खाया, तो खाना वाना खाएंगे उसके बाद देखेंगे, मतलब अगर नींद आएंगे तो सो जाएंगे, नहीं तो अभी और आरिफ भाई को सोएंगे खाना खाने के बाद, और देखते हैं पहले। अभी तो अभी टाइम हो रहा है 10:16, तो करीबन खाना खाएंगे 11:30-12 के आसपास बज जाएंगे, तो उस टाइम तक आरिफ भाई नींद पूरी हो लेंगी, और नींद पूरी हो लेंगी तो भैया फिर आरिफ भाई चला लेंगे हम सो जाएंगे। कैंपी से उतरने के बाद ये कुछ इटावा आ गया है, और बहुत भाई है जो सब्सक्राइबर है अपने और फॉलोवर है, मतलब यूट्यूब इंस्टा फेसबुक तीनों जगह पे इटावा से बहुत भाई हैं। पर रात के अभी बज रहे कितने 11, तो अभी तो कोई नहीं आ सकता मिलने, और बाकी कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह कुछ है नहीं मेरे पास, क्योंकि यार बस ऐसे ही नहीं है कॉन्टेक्ट नंबर। और अभी तो 11 बजे, तो 1 डेढ़ घंटे बाद खाएंगे खाना, पर भूख लग रही है ज़बरदस्त, जो आप कूद रहा पेट में, पर कर क्या सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते भैया, क्योंकि खाना ऐसे टाइम पर खाना पड़ता है हमको, तो हम सो जाएंगे और आज भाई गाड़ी लेके चलेंगे, या फिर ऐसे खाना पड़ता है मतलब टाइम से खा लेते हैं 7-8 बजे, और हम गाड़ी लेकर चलते हैं और अपने ड्राइवर को सुनाते हैं, और फिर जब नींद आती फिर जगा देते हैं। तो ये दो ऑप्शन रहते हैं हमारे पास, इनमें से एक अप्लाई करना पड़ता है, अभी एक तो ख़त्म हो गया, अब दूसरा ही ऑप्शन बचा तो यही अप्लाई करेंगे आगे किसी होटल पे। तो इटावा वालों प्यार दिखाओ दिल से, इटावा वाले क्या यूपी वाले सब भाई प्यार दिखाओ दिल से। तो भैया अभी खाना खा के आए थे, और खाना डूब रही ज़्यादा खा लिया और पेट में दर्द, और अबड़ा आरिफ भाई गाड़ी चला रहे हैं, कुछ अलमरी लगा के सो रहे हैं, टेलर वाले सो रहा बस, और ना सो रहा कोई भी। गुड मॉर्निंग गाइस, और गुड मॉर्निंग ऐसे ही भाई, ये जगा दियो मैंने आप 11:12 बजे से पहले खड़ो यू इनकी गाड़ी रही, और ये भाई खड़ो जो बड़ा हाथ दे रहो, तो ये मिला हमने भाई अभी चाय नाश्ता हमने खरीद लियो, और ये अनिल खड़ो ही ना हो मेरी अनिल मूड ना हो धीरे यार, और ये जा रहा हूँ टाटा जा रहे यार, और हम भी टाटा का ही आदमी वैसे तो गाड़ी टाटा की ये आई सर का आदमी है, हाँ तो गाड़ी टाटा की जब टाटा का आदमी है हम तो आई सर का आदमी है। तो अभी कर लेते हैं और बड़ी सी बातचीत हंसी मजा, बाकी चलेंगे तो मिलेंगे ओके। बनारस पार करने का व्यू, और ये देखो बाजार रोड पे खड़े हो गए, और जब जाम लगे पीछे अब देख लिया
और यो कुछ नदी बनारस पार कर घनी बड़ी नदी है यहाँ इतना हो भी चल जो भी है गदर है अभी बनारस की पुड़िया चल रही है और यह लाइन जाम लग रहा बहुत भाई अलवरी आ रहा जा रहा क्योंकि ज़्यादातर यह लाइन अलवरी ही चले और तो धुंध पड़ रहा हो बस ये पानी के ऊपर और कुछ ना नरियो भाई अपनी गाड़ी चला रहा तो कोई ना चलते धीरे धीरे आगे जुड़ांगे अपन फिर दिखाऊंगा आपको ढंग से। तो ये अभी रुके हम दोनों गाड़ी ने लिए गए डीजल पे लेने के लिए अभी करवाते इधर टंकी लगाओ ना भैया इसमें नोजल और हमारी टंकी का ढक्कन खराब होगा लॉक तो यहाँ से करवाते हैं टंकी फुल फिर मिलेंगे आपसे। और ये क्यों भाई भी सब्सक्राइबर ही है और चलाऊं तो कोई नहीं करवाते उसके बाद चलेंगे तो मिलेंगे देख लियो ऐसे लगे डीजल ना नीरा हाँ ही। तो भैया यू है नौबतपुरे का नौबतपुरे जो कुछ भी है तो इन बहुत सारी मेवाती होटल आवे जो कि हम इन पर खाएंगे अब खाना क्योंकि हमने खाना वाना खाया नहीं भूख लग रही है रात को खाया था और सो गया था। बाकी होटल की लोकेशन लगा रखी मैंने अपने कुछ तालीम भाई की होटल है बाकी आपको दिखा दूंगा और बता दूंगा वहीं पे। कुछ ऐसा मोटरसाइकिल वाला भी हमारे जो पीछे ना देख सिर्फ आगे देखे हैं अभी हमें नौबतपुर में और पीछे खड़ी अपनी गाड़ी यू अपने तालीम भाई खड़े हैं यू तालीम भाई की होटल है मतलब बनारस की तरफ आएंगे समझ लास्ट में यही होटल है और आगे पता ना क्योंकि मैं खुद पहली बार आया हूँ। तो बाकी कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब कुछ आपको मिल ही जाऊँगा लोकेशन यू मेन रोड पे या हाईवे पे तो कोई दिक्कत ना भाई एक नंबर खाना मिल जाए जबरदस्त अपने तालीम भाई के पास तो कोई दिक्कत ना जरूर विजिट करें और अब मिलेंगे आपका आगे क्योंकि अभी ग्रेस व्रेस करवाऊँ गाड़ी फिर चलेंगे। ये है बिहार बॉर्डर भाई खाना खाने के आने के बाद पहुँच गए बॉर्डर मतलब थोड़ी आग बिल की बॉर्डर और आपको ये दिखाऊँ मैं सिस्टम ये जगह का टायर है ना किनारे है मतलब कोई सिंगल चल रही है कोई डबल पे चल रही है तो मतलब ये आगे बॉर्डर है मतलब जाम लगना कोई जरूरत ना इतने खड्डान में गाड़ी धीरे धीरे निकलेगी धीरे धीरे निकलेगी इतना गाड़ी आगे बॉर्डर पार होती रहेंगी पर जब कमा रहे हैं हमारे ड्राइवर लूट रहे हैं तो भाई बॉर्डर ऑर्डर में कतरा ऑर्डर बनवा दिए कम से कम हद से ज़्यादा ही खड्डा कुछ लिमिट्स बाहर तो कोई ना भाई पार कर लिए यहाँ बॉर्डर है बाकी आगे देखेंगे। ये बॉर्डर ऑर्डर वाड़ी आते इन मेरे तो मूड ख़राब हो जाए इन बॉर्डर रन हेड जो ऐसे बैठा था डूब रही है जैसे इन लोग कमा रहा हूँ हम अपना घर बार छोड़ के नहीं ये तो कहना है पैसा का चक्कर होगा छोटा बड़ा भाई कमाना का चक्कर होगा और ये पुलिस वाले और ये बॉर्डर वाले और टूल वाले बहन चो सारी कमाई हमारी ऐसे दी ले कहना है जैसे इन लोग कमा रहे पर भाई रोड पे चल रहा हो तो देना भी पड़े दया तो भाई हिंदी और चलेंगे भाई। तो भैया ये है बिहार का मोहनिया मेरे मोहनिया में इतना लंबो जाम लग रहा इतना लंबो जाम लग रहा बस पूछो ही मत कम से कम ना 6-7 किलोमीटर को वही मथुरा वाला सीन है उससे भी बड़ा जाम है तो वहाँ तो 2.5 घंटे लगे थे निकलने में यहाँ देखते कितने घंटे लगेंगे। बाकी धीरे धीरे लाइनें चल रही हैं अभी दोनों आगे ब्रिज का काम चल रहा है शायद इस वजह से जाम लगा हुआ है भैया तो कोई नो दिक्कत ना ही इसको हम पार करी था इतने हम बिहार का व्यू आपको दिखाते हैं और यहाँ पे लगता ही है भाई साहब जब मैं पहले टाइम आया था ना तब भी इधर जाम में फंसा था पूरी रात और अब भी फंस गया। ये देखो गाइस तुमको जाम दिखाता हूँ उधर पूरा जाम और अब इधर देख जाम ही जाम तो भाई साहब मुंबई पसंद नहीं और इसी वजह से भी कलकत्ता पसंद नहीं रहेगा। जाम को पार करने के बाद अब जाके कुछ सुकून से गाड़ी चल रही है भाई अपनी आराम आराम से और आरिफ भाई बगल में बैठा है दोनों हम कर रहे हैं बातचीत तो सोचा आपको भी बता दूं हम कहाँ चल रहे हैं और कैसे चल रहे हैं अब कभी आप भी टेंशन में होना कर ली भाई अभी तक भी जाम में फंसा हुआ वरना 2-2.5 घंटे के बाद आखिर में हम भी निकल के आ ही गए
और बाकी अपने सब्सक्राइबर बहुत भाई मिल रहे हैं इधर मेवात के, बहुत जितनी भी गाड़ी है मतलब ज़्यादातर सभी जान रहे हैं अपने को, और हम भी मतलब भाइयों से बातचीत करते हुए वीडियो बनाते हुए रील बनाते हुए फोटो वगैरह करते खिंचाते हुए चलते जा रहे हैं, और बाकी देखेंगे और आगे कोई नॉर्मली सब्सक्राइबर मिलेंगे मतलब लोकली तो उनके साथ भी वीडियो वगैरह रील वगैरह बनाएंगे, और बाकी ये जितने भी वीडियो रील आएंगे सब अपने इंस्टाग्राम आईडी पाएंगे limkhan7006 बिना स्पेस के सब कुछ लिखना है तो आ जाएगी मेरी आईडी, और अगर आप राहुल में आती व्लॉग भी लिखोगे तब भी मेरी आईडी आ जाएगी, ठीक है ना। बिहार की नबी नदी का ब्रिज है ये, और ये इतना बड़ा बहुत बड़ा ब्रिज है ये, मैं छोटा और चिरकलो सो जब आया हुआ ब्रिज पे और फिर मैंने गाड़ी चलाई है, वह टाइम पे सिकतड़ी था मैं, पानी थी एक किया फिर आगे पानी है और इधर रेल वाइक पुड़िया जा रही हो जा रही वहाँ पे का ट्रेन जावे और यहाँ पे का हम जैसा आन का रॉकेट, और अब तो रॉकेट नाम की बहुत ज़्यादा कॉपी हो गई पहले सब फ्लाइट करते थे, हम सब रॉकेट करने लगे जब से इसको रॉकेट बनाया हमने, अब कश्मीर तक कॉपी हो रही है अपने रॉकेट की तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, करो भाई जिसको जो नाम अच्छा लगे वो रखो, बाकी जरूरी नहीं है भाई इसी ने लिया खालिया रॉकेट नाम का, सब रखो क्योंकि भैया अपने ट्रक है ही रॉकेट, ट्रक नहीं है ये है ही रॉकेट हकीकत भाई। तो अभी तक आप सोच रहे हो ब्रिज को ख़त्म नहीं हुआ भाई, बहुत लंबा ब्रिज अभी तो जितना चलाया ना मैं उससे डबल तो अभी बच रहा है, पर ये ना पता कितना किलोमीटर को भाई किलोमीटर को अंदाज होना है, वैसे ही पता होगा काफ़ी लंबा ब्रिज है, जितना लंबो ही भी लोग हैं इतना ही लंबा ब्रिज है रात हो चुकी है और भैया अभी हम हैं शेर घाटी, मतलब गया का कट आएगा आगे और औरंगाबाद कर लिया है हमने पार, औरंगाबाद पार करने के बाद जो टूल आता है उसको पार करने का व्यू वही है, अभी आगे आएगी झारखंड की बॉर्डर तो भाई हूँ भी देखेंगे एक रुपये लेंगे, इनको तो अलग ही नियम कहीं 300 कहीं 500 कहीं 300 कहीं 500 मन मागा 300 मन मागा 500 दादागिरी है। तो बाकी अभी टोल पे रुके थे थोड़ी देर, वहाँ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी थी और एक भाई की जैकेट रह गई थी हमारी गाड़ी में बहुत ही थी, और अभी चल रहा है कंटिन्यू और यही इनको मेवाती ढाबा ही वो पहचान है, मतलब मेवाती ढाबे की है चांद और सितारा तो ये पक्की पहचान है कि इधर मेवाती ढाबा है, पर अभी अपने को भूख लग नहीं रही, अभी खाना खाने की जरूरत नहीं है, अपन खाएंगे चिरकुंडा बॉर्डर पे खाना, बाकी अभी झारखंड की आएगी उसके बाद आएगी चिरकुंडा, तो जैसा भी कुछ रहेगा तो सब कुछ ही दिखाएंगा और इन्जॉय कराएंगा, बाकी अभी अपनी गाड़ी घूम रही है 60-65 क्योंकि यहाँ से लोकेशन है 450 किलोमीटर और सुबह गाड़ी लगानी है हमको तो खाली हो जाएगी क्योंकि दो जगह की है ना, इस वजह से एक ही दिन में करना इंशाल्लाह दोनों जगह खाली। चौपारण घाट देखो, चौपारण घाट आ गया भैया तो ये चौपारण घाट है भाई और हालत भी बड़ी है खराब क्योंकि नान दौड़ होना रहे हो, कल परस भर के लेके आया जब से चला ही आ रहा है दौड़ा ही आ रहा है क्योंकि एक्सप्रेस मंडी दो तरह की रह, एक तो ऐसी तो सभी 110 घंटा आने में लगानी और एक एक्सप्रेस मंडी ऐसी रहे नॉन स्टॉप चलते रहो और टाइम खराब बिल्कुल मत करो, टाइम पर गाड़ी लग जाएगी क्योंकि अगर टाइम खराब करेंगे तो टाइम ज़्यादा चाहिए फिर, बाकी ये भाई गाड़ी खराब होगी इन देव घाट में तो ऐसा और डर लगे हमने भाई ऐसा ऊपर वाला कोई गाड़ी खराब मत करवा कहीं भी, पर मेरे हिसाब से खराब ना हुई, अपने तिरपाल विरपाल दियो माल लटा को कट्टा भी कड़गा वहाँ का वहाँ साइड में से, तो बाकी कोई दिक्कत ना, चढ़ा रहे हैं चौपरण घाट सिलो मोरसिन में, और भैया सिलो मोरसिन में चलते चलते लोकेशन रह गया हमारे 350 किलोमीटर 350-300 के आसपास 350 के आसपास हुई मेरे हिसाब से, पता नहीं कौन सा गांव है वैसे तो, पर पूरा मेरे हिसाब से मुस्लिम गांव है ये, अब से पहले जो मतलब पिछले साल के सीजन में तब आया था तब मैं इधर दिन में था और अब रात में हूँ, 24 घंटे का फर्क है मतलब 12 घंटे का फर्क है तो भैया सुबह गाड़ी लगानी है इस वजह से तुम्हारा भाई चल रहा है थोड़ा खींच के और नॉन स्टॉप,
ना, मतलब मैं नहीं रुका कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक लेने के लिए भी, तब से कंटिन्यू चल रहा हूँ भाई। वो टॉल पे रुका था ना, उसके बाद से कंटिन्यू और कंटिन्यू चलेंगे तभी पहुँचेंगे भैया, क्योंकि सफर बच रहा है 300 किलोमीटर और अभी बज रहे हैं रात के 9:30, तो हमको पहुँचना है सुबह टाइम से। देखेंगे पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी, क्योंकि जरूर नहीं है हमको लगाना, बस ये है अपने दिन बच जाएंगे अगर कल पहुँच जाएगी तो, वरना इसको ये नहीं भाई इनाम नहीं मिलेगी, भाड़ा नहीं मिलेगा, वो वाला सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। बाकी रोड एंजॉय करो, सफर एंजॉय करो, और तुम्हारे भाई का टीम भाई के लिए चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी धन्नो की स्टेयरिंग को देख के थोड़ा सा दम बन जाएगा लाइक करने का, अब तो कर दो लाइक ये किंग की खातिर। बाकी अंदर से और दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये देखो, इधर भी, उधर भी, इधर भी तो भैया अपना पूरा रॉकेट भरा हुआ है अंदर से। और बताना कमेंट में कुछ अगर नया मॉडिफिकेशन आया हो तो वो भी करवाएंगे इसमें, और रिव्यू यार मैंने 3-4 व्लॉग में बोल दिया अगर रिव्यू करूंगा, पर इतना टाइम नहीं मिल रहा अगर मैं इसका रिव्यू कर दूं, पर करूंगा बहुत जल्द। बड़ा जबरदस्त एकदम प्लेन हाईवे रोड आ चुका भैया, 6 लाइन का 3x3। अब आराम भैया चलाने, ओवर सर्दी पड़ने लग गई अभी तरफ तो, आंगड़ी वांगड़ी सुन्न होने लग गई। और इससे पहले मतलब उधर की साइड में इतनी ठंड नहीं है जितनी इधर की साइड में। और बाकी गाड़ी मेवाती बम्बई सब छोड़ कर, बेंगलोर सब छोड़ कर सारा मेवाती कलकत्ता तो वही कलकत्ता रूट बढ़िया है, सब कोई दिक्कत ना अभी तक। बाकी बनारस पार करके ब्रिज बन रहे हैं, जो उन पर थोड़ा बहुत जाम है ना, तो एक नंबर मजे वाली बात है। कुल मिला बम्बई छोड़कर कहीं भेज दिया तालीम भाई ने, कोई दिक्कत ही ना बम्बई से यार, मतलब वासुदेव आफत ना रही, मतलब आदत हो गया आते जाते अब फिर भी पसंद ही ना जाने क्यों, ये कह लगा कि लेवल की दुश्मनी होगी बम्बई से तो भैया अब तो ऑल इंडिया घुमा दे तालीम भैया, अपने कोई दिक्कत ही नहीं, नहीं रूट नहीं बिलोक, और दवा कबाब का प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना, प्यार दिखाओ बस, जितना हो सके उतना शेयर करो व्लॉग। तो बताओ कमेंट भाई साहब यार रफ्तार पहुंचेगी कि ना पहुंचेगी 250 किलोमीटर। और अभी रात के कै बज रहे हैं बता दूं टाइम, आप 11 और स्पीड 80। अब बताओ सुबह कई टाइम गाड़ी पहुंचेगी, बताओ कमेंट में अगर यार रफ्तार गाड़ी जाएगी तो। तो भैया ये पहुंच गए हम चिरकुंडा टोल टैक्स है, और यहाँ से आगे आएंगे बॉर्डर और बॉर्डर ऑर्डर आएंगे तो भाई उन्हें भी देखेंगे, वैसे लगेंगे ना लगेंगे जैसे कुछ। बाकी टोल पार करके ये अपनी मेवाती होटल आएगी, उस पर रुकेंगे, डंडा टैक्स लेना है अपना उधर से, और फिर कंटिन्यू उड़ाएंगे। बाकी अभी मुलाकात डायरेक्ट होटल पर कर दे, ठीक है ना, कौन सी बॉर्डर ही जब भूल जाऊं मैं तो भाई आराम ये चिरकुंडा बॉर्डर। अभी खाना वाना खा के नहीं, ये अपनी गाड़ी आ गई, एक यू खड़ी और 2-3 पिछल खड़ी और अपनी यू खड़ी, और यू भाई बहुत पहले मिलो ये और याद ना आ रहा यू कन्फर्म कहाँ मिलो, कद मिलो, कैसे मिलो, नेमत कर। फलाना ठिकाना बॉर्डर में बिल्टी देनी ना देनी है ना ना आड़ वो जले अंदर स्लावर दमान के, तो चलो निकाल बा गाड़ी ने और साथ चल रही है भैया। बाकी ही थोड़ा फोन ऑन यूज करना चलती गाड़ी में, ज्यादा खास अलाउ ना, तो यहाँ वजह से लिमिटेड दिखाएंगे आपको व्यू। और बाकी मतलब जहाँ जहाँ संतुलन बैठक वहाँ वहाँ दिखा दूंगा। और अभी चलते हैं, अभी तो क्या बोलते हैं वर्धमान है यहाँ से करीब 120 किलोमीटर का आसपास। गुड मॉर्निंग गाइस, और अभी हमें तारकेश्वर से पहले
और ये यहाँ पे हम कर रहे हैं अपनी गाड़ी खाली, ये रही तो यहाँ तो हो गई खाली। अभी वापस चलते हैं, अभी तारकेश्वर जाएंगे, मतलब तारकेश्वर से पहले हम जमालपुर पार करने के बाद श्री कृष्णापुर तो चलते हैं। अब देखते हैं इसका हिसाब किताब करते हैं, कट्टे वगैरह चले थे हमने जो वहाँ पहुँच के, ठीक है ना। तो वही खाली करके अभी जा रहे हैं तारकेश्वर अनलोड करने के लिए। और ये देख लिया आप कैसे गाँव में खाली करते घूम रहे हम गाड़ी है भाई, मजे आ रहा हो वैसे तो जो बात है, पर गाँव में तार वारन की थोड़ी दिक्कत समस्या रहे, हमारे फूल वाला मर जाओ ये। तो अभी ये गाँव निकलते हैं और आगे आएगा थोड़ा मतलब ठीक ठाक रोड है, फिर उस पर मिलेंगे आपसे, क्योंकि खाम का कदी कोई हमने मारे करे नहीं। भैया अभी आए हैं इस लोकेशन पे, यहाँ अपनी गाड़ी खड़ी है, अभी तक तो खाली वाली होने का कोई चांस नहीं है। और साथ ही मतलब यहाँ पे खड़े खड़े हम 2-3 घंटे हो गए और तभी आ जाते हैं भाई तो इन भाई का भी ट्रांसपोर्ट है, पर ये इधर से लोड करवाते हैं अपने इधर मतलब सिलीगुड़ी साइड है ना, वाटी सिलीगुड़ी साइड। हाँ तो भाई इधर ज्यादा लोड करवाते हैं, अपने उधर का सिस्टम नहीं है। बाकी अगर जो भाई यहाँ से देख रहे हैं तो भाई से कॉन्टेक्ट करना, नंबर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और बाकी भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा भाई ने गाड़ी को तुरंत पहचान लिया और आके फिर हो गई अब आखिर हमारी मुलाकात। तो और स्टोरी वगैरह लगा दूंगा जहाँ भी रहूँगा वहाँ की लगा दिया करूँगा, क्योंकि बहुत भाइयों को पता नहीं चलता और बहुत भाइयों को मतलब गाड़ी दिखती है तो पता चल जाता है। तो बाकी करते हैं अभी भाई से बातचीत, उसके बाद देखते हैं कब खाली करेंगे, आज करेंगे या नहीं करेंगे जैसा भी।